माय चैनल एसएससी सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग वीडियो नहीं कंप्लीट कर पाए थे 26 जनवरी, और साथ ही साथ कुछ मेरा कंटेंट राइटर कंटेंट भी जो मैं बना रहा था वो क्या हो गया था, करप्ट हो गया था लैपटॉप, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मटेरियल ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस कारण कल वीडियो नहीं मिल पाई है, बट आज से कंटिन्यू करेंगे, फिर से कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो आज का वही टॉपिक, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट कुछ टॉपिक लिए हैं, करंट अफेयर से इशू हैं, और आज आपके वीडियो में जनरल स्टडी के पार्ट भी मैंने ऐड कर दिए हैं, स्टेट्स के, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके साथ डिटेल डिस्कशन की बात की जा रही है, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी इवनिंग में अवेलेबल हो जाएगी। मगर वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, क्या कह रहा है कि भारत नवाचार सूचकांक 2.0, अगर इसकी बात की जाए तो इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है आपका 2022 के तहत? एक मिनट। हाँ, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दूसरे संस्करण जारी है, जो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया गया है। इस सूचकांक में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वह कौन कौन सी श्रेणी है आपकी, 3 जरा देखेंगे। पहला है आपका विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो देखा जाए तो सबसे बड़े राज्यों में आपको प्रथम स्थान मिला है कर्नाटक का, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को, और इनोवेटिव राज्य के तौर पर आपको मिला है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार राज्य रहा है। उत्तर पूर्वोत्तर पहाड़ी और राज्यों के स्थान भी बात की जाए तो इसमें से आपका जो प्रथम स्थान है वो इसको मिला है, वो हिमाचल प्रदेश को मिला है आपके। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को पहला स्कोर मिला है, और अंतिम स्कोर में था आपके लक्षद्वीप। तो ये था, ये सूचकांक समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त किया। तो आप इसे याद रखेंगे कि तो प्रथम स्थान था वह दिल्ली को मिला है, और अंतिम स्थान किसके तौर पे, ये है आपका भारत नवाचार सूचकांक 2.0, जो जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019 और 20। पीजीआई के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। तो इसको कौन जारी करता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। तो पीजीआई होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसे शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री जारी करती है। इसकी बात की जाए तो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है उस पर उनको अंक मिलते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम स्थान पर आपका पंजाब रहा, जिसको 1000 में से 929 अंक प्राप्त हुए हैं, और अंतिम स्थान में लद्दाख था, जिसे 545 स्थान प्राप्त हुए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपसे, और देखिए बेटा आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ज़्यादा हैं, और क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे स्टेट का आंसर, उस स्टेट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि सर करंट अफेयर के साथ साथ और भी चीज़ें नहीं कम्प्लीट हो रही। तो वीडियो को पूरा देखिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको अपने सेल्फ से करिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में उसके दिखिए कि सर मैंने इतने से इतने किया, उससे क्या होता है आपको एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, दूसरा संस्करण है। इसमें से जो 18 बड़े मध्यम श्रेणी के राज्यों में से जो प्रथम स्थान मिला वो महाराष्ट्र को मिला है, दूसरे स्थान में आपका तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान में आपका तेलंगाना, और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ पे रहा है, और हमारा जो पड़ोसी उत्तर प्रदेश वो किसमें स्थान पर रहा, 18वें नंबर है, और बिहार का जो स्थान है वो आपका 13वां स्थान। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम बिहार से रिलेटेड है, तो सर बिहार के तो कोई भी करंट इशू या डेली बेसिस इशू नहीं छोड़ने। ठीक है, तो ये रहा बड़े, छोटे राज्यों की श्रेणी में आपको त्रिपुरा रहा, अंतिम राज्य मेघालय मिला है। नोट बात की जाए तो इसमें कुछ पॉइंट है, कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 में महाराष्ट्र है, न्यायपालिका की सुविधा देने में तमिलनाडु रहा, नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 में कर्नाटक रहा, बेहतर जेल सुविधा दिलाने में प्रथम स्थान राजस्थान का रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे आप लोग, कानूनी और न्यायपालिका याद रखेंगे। अगला टॉपिक है एनीमिया, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। इसमें पहल स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूंगा यूनिसेफ क्या है, अभी क्वेश्चन में डिस्कशन होगा तो उसके साथ मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिसेफ कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टेब्लिश हुआ, 2006 में कहाँ हुआ, कितना हुआ, ठीक है, कौन इस समय चेयरमैन है, ये सब डिस्कशन मैंने आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें दिए हैं।
तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान आपका मध्य प्रदेश में आया, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो किसका रहा है आपका, एमपी। प्रथम स्थान आपको एमपी को मिला है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। एमपी स्कोर था 64.1, और द्वितीय स्थान में आपके रहे हैं उड़ीसा। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एंड निकोबार को प्रथम स्थान मिला, और 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा है। तो ये भी देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट। पहला तो ये इंपॉर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेश में किसको मिला, तो अंडमान निकोबार को। दूसरा स्टार्ट, 28 राज्यों में जो बिहार आया वो कौन से नंबर में आया, 22वें नंबर में आया, और उत्तर प्रदेश का 20वां नंबर था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। चलिए उसके बाद चलते हैं नगर पालिका प्रदर्शन। तो देखिए बेटा, ये आपके एग्जाम जो आपका सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में जो जनरल स्टडी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि ये नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI, ये रिपोर्ट आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से बनता था कि सर ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आवास और शहरी मंत्रालय। ये रिपोर्ट दो श्रेणियों में बनाया गया है, जो मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले में। तो यहाँ देखा जाए तो जो 10 लाख से अधिक आबादी है उसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो आपके इंदौर को मिला है, और जो 10 लाख से कम आबादी वाले राज्य है उसमें से नई दिल्ली को मिला। ठीक है, अगर बात की जाए और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो यहाँ पे दिए है कि जो पटना नगर पालिका का स्थान कौन सा मिला है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 16th नंबर में पटना नगर पालिका का स्थान कौन सा मिला है, 16th। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले का जो स्थान है वो गुवाहाटी को मिला है, और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में खराब प्रदर्शन करने वालों का कौन सा स्थान है, किसको मिला है, शिलांग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। फूड सिक्योरिटी पूरा फॉर्म है इसको, मैं अभी बताऊंगा। इसके भी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पूरा डिस्कशन मैंने डाला है, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा आपको। तो मैं चाहता हूँ ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे पूरा, कब हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन इस समय इसके CEO है। ठीक है, CEO है। तो इससे बात करते हैं, तो FSSAI द्वारा सितंबर 2000 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण निकाला गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन से, मनसुख मंडाविया। तो याद रखना कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, यह सूचकांक 5 मापदंडों पे जारी किया जाता है। देखिए, इन मापदंडों में आपको याद नहीं रखना ज़्यादा, क्योंकि बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कब किसके द्वारा जारी किया जाता है, FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, SHAI। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आपके मनसुख मंडाविया। यहाँ से इस टाइप का करंट पूछा जा सकता है, बहुत रेयर है कि इसमें पूछ लेगा बड़े राज्यों छोटे राज्यों के, क्योंकि ये डिवाइडेशन पार्ट है ना, तो सिंगल वन लाइनर में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे पूछ सकते, बड़े राज्यों गुजरात, छोटे राज्यों गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट जरूर है कि इसमें बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, तो ये आज का कुछ स्पेशल छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो में फिर बोर होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके को बताइए। चलिए, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, टॉपिक रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में सबसे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला। अभी बताया मैंने नवाचार में, तो इसमें सबसे जो प्रथम स्थान मिला ये किसको मिला बेटा आपको, ये से कर्नाटका को मिला। किसे मिला इसे, कर्नाटका को, किसे मिला, कर्नाटका। अब बात करते हैं कर्नाटक, अगर आंसर कर्नाटक है तो सर कर्नाटक के बारे में हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि यही तो एक स्पेशल थिंग है इस वीडियो की, कि आपको करंट के साथ साथ अगर आपको GS स्टडी भी आपका कंफर्म होता जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं कर्नाटक, आंसर इज कर्नाटक। भारत नवाचार सूचकांक प्रथम स्थान कर्नाटका को मिला है। अब बात कर ले कर्नाटक, तो ये देखिए मैंने ये बहुत ही मेहनत करके आपके लिए दिया ताकि आप लोग इससे रूबरू हो सके। तो कर्नाटक स्थापना कब हुई इसकी, 1 नवंबर 1956 में, राजधानी बेंगलुरु है। उच्च न्यायालय कर्नाटक का कहाँ पे, बेंगलुरु है। कुल जिले 30 हैं, लोकसभा सदस्य 28 हैं, राज्यसभा सदस्य 12 हैं, विधानसभा सदस्य 224 हैं। राजकीय पुष्प आपका कमल है, राजकीय वृक्ष चंदन है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी नीलकंठ है जिसे कोरोसियस बेंगालेंसिस बोलते हैं। उसके बाद सर्वोच्च शिखर आपका मुलिया नगरी, आप सेव रहे बेटा, इसे पॉज करेंगे, इसे 1 2 3 बार आप इसे लर्न करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। सर्वोच्च शिखर है मुलियानगिरी पर्वत है, जो चिकमगलूर के पास है। ठीक है, और उसके बाद मुख्य नदियों की बात की जाए तो कर्नाटका राज्य में आपकी
कौन कौन सी नदियां कर्नाटका राज्य में कृष्णा मिल जाएगी, कावेरी, तुंगभद्रा, आर्कावती, सारस्वती, मालाप्रभा, हेमावती, ठीक है। उसके बाद भाषा की बात की जाए तो यहाँ की जो राजभाषा है वो कन्नड़ है। उसके बाद आपका जो राजभाषा के बाद आपका क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यक्षगान। और साथ ही साथ चूंकि यक्षगान इतना पूछ लिया गया कि अब हो सकता है कि सर अब ये पूछें कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन है, ऑप्शन में यक्षगान ना दिए तो क्या होगा, गुल्लू कुनिथा, ये आपका कर्नाटक का। तो ये कुछ इसके स्टैटिक जीके है जिसे आपको कवर करते जाना है करंट अफेयर के साथ ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस समय सीएम कौन है आपके, तो ये है बुकाना केरे और सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा, ठीक है। तो ये बीएस येदियुरप्पा, इसमें शॉर्ट में आप लोग यूज करते हैं, शॉर्ट में आप लोग यूज करिएगा ज़्यादा सही है, बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, बीएस येदियुरप्पा में आपको ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में किसके द्वारा जारी किया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी डिस्कशन किया है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए आंसर बताइए, क्या होगा आंसर, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रथम स्थान किसे मिला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान मिला है वो किससे मिला है आपको, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस, तो किसे मिला है, ये मिला है बेटा आपको महाराष्ट्र राज्य को, किसे मिला है, ये मिला है आपको महाराष्ट्र राज्य को। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान रहा, ये भी बात सही है, बिहार का कौन सा स्थान था, तो बिहार का आपका था, अभी आपने पढ़ा है इसमें, अभी हमने जब थ्योरी डिस्कशन किया तो बिहार का कौन सा था, 13वां या 13th प्लेस था, ठीक है। अब बात आ जाती है बिहार की, तो सब बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। स्थापना दिवस क्या थी आपकी, 1 अप्रैल 1912। राज्यपाल लालजी टंडन है, इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कुल जिले 38 हैं, लोकसभा सदस्य 40 हैं, राज्यसभा सदस्य 16 हैं और विधानसभा सदस्य कितने हैं आपके, 243 हैं। प्रथम जो राज्यपाल बने थे, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो क्या थे आपके, जयराम दास दौलत राम, ये आपका जीके मतलब एक प्रकार से हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद बात की जाए, राजकीय वृक्ष पीपल है बेटा, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है, और साथ ही साथ राजकीय पशु जो है बैल है। देखिए पक्षी या पशु में कन्फ्यूज ना हो, पक्षी गौरैया है, पशु बैल है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो बिहार राज्य में गंगा, कोसी, सोन और गंडक नदियाँ आपको मिल जाती हैं। भाषा की बात की जाए, हिंदी उर्दू बोली जाती है। प्रमुख बोलियों की बात की जाए तो बिहार राज्य में बिहारी चलती है, भोजपुरी भी कहीं कहीं बोली जाती है। प्रमुख लोक गीत की बात की जाए तो बिहार में बिरहा रहता है, चैती आता, कजरी आता है। इसके अलावा भी कई सारे नृत्य होते हैं मगर मेनली बिरहा, चैती, कजरा। तो ये थोड़ा बिहार का जीके स्टैटिक्स ले लिया है, आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसी तरह कुछ चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे तो साथ ही साथ जीके का पोर्शन भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था, यूनियन टेरिटरी हैज बीन रैंक द फर्स्ट अंडर द एनीमिया फ्री इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2020। तो बेटा इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले बिहार दिया, पुडुचेरी दिया, अंडमान निकोबार, न्यू दिल्ली। तो भैया पहले केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो ये तो चला गया वैसे भी, अब इन तीन में से कौन सा सही है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। तो आंसर नंबर सी के साथ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त सूचकांक भारत में के तहत भारत का कौन सा राज्य, अब देखो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, यहाँ पर राज्य पूछा, तो राज्य प्रथम पायदान में कौन रहा है, तो ये स्टेट रैंक द फर्स्ट अंडर एनीमिया वाद, तो ये आपका थे कौन से, ये उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा हो, क्या होगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर क्या है आपका, बी नंबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश आंसर है आपका। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूबाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की कुछ मैंने राष्ट्रीय उद्यान ऐड किए हैं, देखिए पूरा तो बहुत बड़ा है तो इसलिए रोज का कुछ ना कुछ टॉपिक ऐड करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपके कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राज्य राष्ट्रीय उद्यान, संजय, ये इम्पॉर्टेंट, संजय राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो सबको पता है, पेच राष्ट्रीय उद्यान ये भी पता है, पेच राष्ट्रीय उद्यान दोबारा हो गया, अंकलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो नया अभी बना 2018 में, ये आपका बना कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि वो आपका सियाती, सियाती जिले में पड़ता है,
ये सात ही जिले में आपको मिलेगा एमपी में, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक जगह का पार्ट था। उसके बाद मैंने बताया था बेटा कि यूनिसेफ मैंने आगे दिया है, तो देख लीजिए। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। इसकी इस्टेब्लिश 1953 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के हो चुके, नगर पाल के प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो ये आपको मिला है डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन म्यूनसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 अबव द 10 लाख। अबव द 10 लाख में आपको इंदौर में मिला है, ठीक है। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली फसाई हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 के अंतर्गत आया था, स्थापना हुई थी। उसके बाद रीता तेवतिया इसकी चेयरमैन है, रीता तेवतिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ, हाल ही में कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? तो ये आपका शामिल हुआ मणिपुर। थोड़ा बैटरी डाउन हो रही है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ बेटा, आप लोग आराम से करिएगा, इसमें दो चार क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस कानून द्वारा झारखंड को बिहार से अलग किया गया? तो ये था बेटा आपका बिहार ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है, बी पार्ट। उसके बाद झारखंड द्वारा जो वही है अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए सकल घरेलू अनुसार किस क्षेत्र में अधिक आवंटन हुआ है? तो ये आपका एजुकेशन में हुआ, ठीक है, ये आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिहार में कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? तो ये है सिवान, सिवान स्थान है। सिवान आपका नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में पड़ता है। तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा बैटरी डाउन हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, श्योर है। उसके साथ ही साथ आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा और पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी, मगर आप वीडियो जरूर देखें, इससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।